हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अभिक्षा होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट तो आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ आई जस्ट होप कि आपको ये मे वाला मेकअप लुक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा बिकॉज बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक है बट बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रहा है तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर डर्मा वेब का हाइड्रा क्लेंज़र जो कि आपकी जो स्किन है उसको डीप क्लेंस करता है आपके जितने पोर्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको यूज़ करने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा जलन सा महसूस नहीं होगा आपका जो फेस है वो ऑलरेडी मॉइस्चराइज लगेगा काफ़ी ज़्यादा तो आप देख सकते हो हल्का सा लिक्विड सा फॉमूला होता है इसका एंड इसको आपको अपने फेस पर अच्छे से मसाज करनी है मसाज करना है तीस सेकेंड तक मिनिमम एंड उसके बाद आपको इसको वाटर से जाके वॉश कर लेना है और आप देख सकते हो काफ़ी फी ज़्यादा इसने क्लींस कर दिया है आप जैसे एक दिन पहले का आपका जो भी थोड़ा बहुत काजल वगैरह बचेगा वो भी सब क्लीन कर देता है ये अच्छे से इसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है गुड uh, वाइब्स का ग्रीन टी टोनर जो कि बहुत ही अच्छा टोनर है टोनर आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है सो टोनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद मैं यूज़ करूँगी आप न्यूट्रीडम का मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजिंग लोशन जिसमें विटामिन ई e होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है एज वेल एज़ इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपकी स्किन पर एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करता है विंटर्स में हाईली रिकमेंडेड है आप ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हो आप इसको डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हो मैं तो इसको डेली यूज़ करती हूँ एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग एक बार ट्राई करके देखो क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप है ऐसा नहीं कि अगर आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है तो आप इसे नहीं यूज़ कर सकते आपकी कैसी भी स्किन है आप इसे यूज़ कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है चेहरे पर आप देख सकते हो एक हल्का हल्का सा ग्लो भी आ जाता है एंड पूरा मसाज मैंने नेक तक कर लिया क्योंकि वाकई में अच्छा है तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ ताकि आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहें मेरे चैनल पर हर टाइम मैं लेकर आती रहूँगी इसके बाद मैंने अपने लिप्स को हल्का सा मॉइस्चराइज़ करने के लिए लिप बाम यूज़ किया है क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज़ करो तो जो आपके लिप्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है तो मैंने यहाँ पर एक कलर बार का मॉइस्चराइज़र सॉरी लिप बाम यूज़ किया है जो कि बहुत अच्छा है थोड़ा सा इसमें पिंक सा इफ़ेक्ट है तो जो कि मेरे लिप्स को हल्का सा पिंक कर देता है एज़ यू नो कि मेरे जो लिप्स हैं उनका कलर जो है वो पिंक नहीं है तो मुझे थोड़ा सा उसके साथ स्ट्रगल करना पड़ता है अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर रोज़ हिप सीरम जो कि गुड वाइप्स का है बहुत ही अच्छा है ये जो सीरम है ये आपके चेहरे पर एक अच्छा सा ग्लो लेकर आता है एंड रोज़ हिप जो होता है वो वैसे भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है एंड ये स्पेशली अगर आपकी स्किन में ग्लो नहीं है अगर आपकी जो स्किन की क्वालिटी है उसमें ग्लो नहीं है आपको लग रहा है थोड़ी सी चमक नहीं है शाइन नहीं है तो ये वाला सीरम आप डेली यूज़ कर सकते हो रात में अपने रूटीन में भी ऐड कर सकते हो इसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर मेट एंड माइल्ड का आईब्रो फिलर और इससे अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी मेरी जो आईब्रोज का शेप है मैं वही शेप रखती हूँ और मैं इसको कभी भी ब्लैक से फिल नहीं करती हूँ ये यहाँ पर डार्क ब्राउन यूज़ करती हूँ बिकॉज डार्क ब्राउन जो है वो काफ़ी नेचुरल सा फिनिश देता है आर्टिफिशियल लुक नहीं देता है तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगी अगर आपकी आईब्रोज जो है वो लाइट है तो आप हमेशा ब्राउन या डार्क ब्राउन ही यूज़ करो आप डायरेक्टली ब्लैक मत यूज़ करो या फिर अगर आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा डार्क हैं ब्लैक हैं तो आप यूज़ करो तो यहाँ पर मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है और मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट मैं ले रही हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्सिटाइल पैलेट है इसमें आपको ग्लिटर मैट शेड सारे शेड मिल जाएंगे शिमरी शेड भी मिल जाएंगे यहाँ पर मैंने इसे डार्क पर्पल वाला शेड लिया है मैं इसको अपनी पूरी आईलेट पर प्लेस कर दूँगी अच्छे से आपको अच्छे से ब्लाइंड करना है कि पूरी आईलेट को ये कवर कर ले मैं बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है आप घर में आराम से कर सकते हो स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपको एक सिंपल सा सॉरी आपको एक सिंपल सा कलर लेना है अपनी पूरी आइलेक्ट पर प्लेस कर देना है आप देख सकते हो सिंपल सा कोई भी एक कलर जो कि आपकी साड़ी में है लहंगे में है जहाँ भी है आपको बस वही एक कलर को अपनी पूरी आइलेक्ट पर प्लेस करना है और बस उसको ब्लेंड करते जाना है जितना ज़्यादा आप ब्लेंड करोगे वो उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा एक चीज मेक श्योर करिएगा जो आपकी आउटर वी है मतलब जहाँ पर आप आई का विंग ड्रॉ करते हो वहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा कलर लेना उससे क्या होगा वो थोड़ा सा डार्क सा अच्छा लगेगा अभी मैंने यहाँ पर कंसीलर में हल्का सा ब्रश को डिप करके और हल्की सी कट क्रीज ड्रॉ की है जो कि हाफ है हाफ कट क्रीज मैंने ड्रॉ की है फुल नहीं की है बिकॉज मैं पीछे आ, कि साइड आउटर वी पे पर्पल कलर चाहती थी और इनर कॉर्नर पे अपने इनर वी पे मैं थोड़ा सा ग्लिटर चाहती थी सो so, यहाँ पर मैंने हाफ कट क्रीज ड्रॉ कर ली है कंसीलर की हेल्प से आप एक फ्लैट ब्रश को लोगे तो बहुत ही इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी ज्यादा इसमें नहीं करना है जब आप खुद से करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा तो नीचे मैंने सिर्फ ये एक कलर लिया है और इसके बाद ये कंसीलर से मैंने कट करी ड्रॉ कर ली है अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी स्पार्कल मतलब ग्लिटर वाला शेड लगाऊंगी जो कि मेरी साड़ी से मैच कर रहा है तो मेरी साड़ी में गोल्डन था तो मैंने सबसे पहले रोज़ गोल्ड पिक किया मैंने सोचा मैं रोज़ गोल्ड लाऊँगी बट फिर वो सही से लग नहीं रहा था ब्रश की हेल्प से भी मैंने थोड़ा ट्राई किया फिर मुझे लगा कि नहीं मेरे फिंगर ही सबसे बेस्ट हैं तो मैंने ब्रश भी यूज़ किया फिंगर भी यूज़ की काफ़ी मिक्स करके क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ग्लिटर लगाने का तो मैंने काफ़ी मिक्स एंड मैच करके ये ग्लिटर फाइनली लगा लिया एंड मैंने इसमें थोड़ा सा गोल्डन भी लगा लिया था ग्लिटर रोज गोल्ड वाला ज़्यादा पॉप को कि नहीं आ रहा था मतलब दिख नहीं रहा था सब ब्राइट सा तो मैंने गोल्डन वाला लगा लिया और थोड़ा सा रोज गोल्ड वाला ऊपर से टच दे दिया एंड दैट्स इट मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया इसके बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पर ये मेबलिन का एज डिवाइन कंसीलर एंड सच बताऊँ ये कंसीलर बहुत लोगों ने बोला बहुत अच्छा है मेरा इसके साथ एक एक्सपीरियंस अच्छा है बट इस बार का एक्सपीरियंस नहीं अच्छा आप देख सकते हो तो, जीरो कवरेज था ये पता नहीं ये मुझे लग रहा है मेरी शेड से ज़्यादा डार्क था शायद इस वजह से मुझे ये अच्छा नहीं लगा इसके बाद मैं यूज़ करूँ यहाँ पर बेलावस्ता का प्राइमर जो कि काफ़ी अच्छा है एंड वो जो कंसीलर मैंने आपको बताया हो सकता है कि आपको सूट करे मुझे नहीं किया मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा मैं इस बार एक लाइट शेड ऑर्डर करूंगी तो देखती हूँ शायद वो बेटर हो तो ये जो प्राइमर है ये बड़ा अच्छा प्राइमर है इसमें लग रहा था हल्का सा फाउंडेशन मिला हुआ है हल्का सा ग्लो आ गया था चेहरे पर लगाते ही इसके बाद मैंने यहाँ पर फिट मे का फाउंडेशन यूज़ किया है जो कि काफ़ी अच्छा फाउंडेशन मैंने आपको हमेशा बताया है मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है ये एंड इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जब भी आपको ब्लेंड करना है तो आपको अंदर की तरफ इसको प्रेस करना है कभी ड्रैग नहीं करना आप ड्रैग करोगे ना तो निशान पड़ जाएंगे और जो निशान है फिर वो ख़राब लगेंगे देखने में तो इसलिए आपको हमेशा इसको अंदर की तरफ पुश करना है आप जैसे जैसे पुश करते जाओगे वो अपने आप ब्लेंड होता जाएगा एंड ये परफेक्टली मैच करता है मेरी स्किन टोन से कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये बहुत लाइट लगे या डार्क लगे ये एग्जैक्टली मेरी जो स्किन टोन का कलर है वही कलर है तो कभी भी आप ये मत भूलना कि आपको नेक नहीं कवर करना नेक हमेशा कवर करिए वरना नेक जो है वो अलग से लगने लगती है तो मैंने अपने का फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एंड इसके बाद मैं यहाँ पर कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करूँगी यहाँ पर कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी कंसीलर मैंने ऊपर से इसलिए दोबारा से यूज़ किया बिकॉज वो वाला कंसीलर मुझे समझ में ही नहीं आया तो मैंने दोबारा से अंडर आइज़ को अच्छे से कंसील कर लिया है नोज़ एरिया को और थोड़ा सा चिन को तो मैंने ये सारी चीज़ें कर ली हैं अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंड होने के बाद काफ़ी अच्छा फिनिश आएगा आप देख सकते हो तो मैं बहुत सारे कंसीलर ट्राई करती हूँ बट एट द एंड मैं इसी कंसीलर पर जा के रुकती हूँ बिकॉज़ यही वाला कंसीलर मुझे समझ में आता है तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा फिनिश है इस कंसीलर का भी ऑल्सो आपको मेरा ये वाला मेकअप लुक कैसा लगा बताइएगा ज़रूर लास्ट मेकअप लुक को आप लोगों ने इतना प्यार दिया इतना ज़्यादा प्यार दिया कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम फील कर रही थी तो थैंक यू सो मच यार आप लोग इतना प्यार करते हो मैं बहुत कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए और शायद मैं भी कुछ दिनों बाद जाऊँगी अपनी दादी के घर तो जब भी मैं अपनी दादी के घर जाती हूँ तो मैं वहाँ पर भी कुछ थोड़ा बहुत शूट करूँगी शायद मैं जाने वाली हूँ इसके बाद मैं इसको करूँ यहाँ पर मोडा का कॉम्पैक्ट और ये काम कॉम्पैक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी नेचुरल सा फिनिश देता है आर्टिफिशियल फिनिश नहीं देता है और मैं इसको एक ब्रश की हेल्प से लगा रही हूं ताकि जहाँ पर भी ज्यादा हो एक्सेस हो मैं उसको अच्छे से हटा दूँ तो अच्छा है ये भी इसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर कॉन्टोर पैलेट मैं कॉन्टोर हमेशा नहीं करती बट आज मैं फिर करूँगी कॉन्टोर कॉन्टोर के लिए मैं पाउडर कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मैं हमेशा बोलूँगी अगर आप बिगिनर हो तो आप पाउडर कॉन्टोर यूज़ करो बिकॉज उसको करेक्ट करना ईजी होता है तो फेस की आपको ऐसे शेप बनानी होती है एंड उसके बाद आपको कॉन्टोर अप्लाई करना होता है आप देख सकते हो मैं भी कॉन्टोर में कभी भी हमेशा बोलूँगी प्रो नहीं हूँ मैं बहुत लाइट कॉन्टोर करती हूँ कभी भी मैं डार्क कॉन्टोर करती हूँ नहीं बिकॉज वो अच्छा ही नहीं लगता है तो यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रोल कर लिया है नोज़ को भी हल्का सा कर लिया है बस फॉर्मेलिटी के लिए वैसे मुझे नोज़ कॉन्ट्रोल करने की जरूरत रहती नहीं है इसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर ब्लश जो कि मैं यूज़ करूँगी इस बार ब्लू हेवन का ब्लश है ये ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश एंड सबसे अच्छी चीज़ है इसमें ना थोड़ा सा ग्लिटर है तो ये ब्लश जब आप लगाओगे ना तो थोड़ा सा ग्लिटर भी आ जाता है आपके चीक्स पे तो बड़ा सुंदर सा लगता है बट आप चाहो तो उसके ऊपर से हाईलाइटर लगा सकते हो वैसे तो ये ब्लश जो है अपने आप में काफ़ी शफिशियट है एंड अगर आपका स्किन टोन मेरी स्किन टोन जैसा है तो ये ब्लश काफ़ी अच्छा लगेगा आपके ऊपर आप देखना भी फाइनल लुक में काफ़ी प्यारा लगता है ये वाला ब्लश तो अगर आपका कलर फ़ेयर है तो भी आप यूज़ कर सकते हो बट मेरे ख्याल से अगर आपका कलर बहुत फेयर है तो आप एकदम पिंक में जाओ बेबी बेबी पिंक वाला कलर होता है आप उसमें जाओ और अगर नहीं तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो मैंने अपनी लैशेस लगा ली हैं इसके बाद मैं यहाँ पर फेसिस के मैगनेट आईज लाइनर यूज़ कर रही हूँ इसलिए यूज़ करी बिकॉज़ इसकी जो ना ब्रश की लाइन है वो थोड़ी सी बड़ी है तो लैशेज़ के बाद ना आपको थोड़ा दिखाई नहीं देता कि ऊपर वाली लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है तो इसकी हेल्प से थोड़ा सा इजी हो गया था मेरे लिए लाइनर ड्रॉ करना एंड यहाँ पर मैंने मेरा लाइनर भी लगा लिया है जो कि बहुत अच्छे से लगा है मुझे मेरा आई मेकअप बहुत अच्छा लगा है एंड आई नो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा बस आपको ना इस शिमर को भी थोड़ा सा ब्लेंड कर देना आप देख सकते हो मैंने शिमर को ना ब्लेंड कर दिया था कलर में तो वो एक में लग रहा है ऐसा अलग अलग सा नहीं लग रहा है अगर अलग सा लगेगा तो वो ख़राब लगेगा थोड़ा सा आप ब्लैंड कर दोगे तो अच्छा लगेगा आई नो मैं भी अभी परफेक्ट नहीं हूँ बट मैं सीख रही हूँ एंड मुझे अच्छा लगता है इसके बाद मैंने पर्पल की ये वाली लिपस्टिक यूज़ की है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जरूर चेक कर लीजिएगा इस वाली लिपस्टिक का बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है क्योंकि पर्पल साड़ी थी तो आई थॉट कि ये कलर अच्छा लगेगा इसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर फेसिस कैनेडा का अल्टीमेट मेकअप फिक्सर जो कि काफ़ी अच्छा है अच्छा, ये आपके पूरे लुक को एक साथ लेकर आ जाता है एंड यहाँ पर मैंने बिंदी यूज़ कर ली है जो कि रेड कलर की है एंड दैट्स इट थोड़ा सा मस्कारा लगाएंगे अपनी लैशेस पे आपकी जो रियल वाली लैशेस हैं आपको उसको अपनी फॉल्स के साथ मिलाते हुए मस्कारा को लगाना है इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर पर्पल कलर का काजल जो कि एस क्यू का है मैंने इसको लगाया आई थॉट कि थोड़ा नीचे पर्पल शेड आ जाएगा बट ये मेरी आँखों में लगा ही नहीं पता नहीं क्यों अभी आप देखना बिल्कुल भी कहीं दिख ही नहीं रहा है कि मैंने इसको लगाया है तो फिर मैंने इसको हटा के ना ब्लैक लगा लिया था तो बिल्कुल भी नहीं नजर आया वैसे तो ये दिखता है अच्छा खासा पता नहीं क्यों इस बार दिखा नहीं या हो सकता है ना इसकी जो आगे की टिप होती है उसको हल्का सा वेट करके यूज़ करती तो शायद ये चल जाता बट ही उस हिसाब से इसका कलर आया ही नहीं तो ये थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट था ये देखो आप बिल्कुल भी नहीं लग रहा हल्का सा कहीं दिख रहा है सो दिस इज़ माई फाइनल लुक आई जस्ट होप आपको ये लुक पसंद आया होगा इसके बाद मैंने हाईलाइटर लगाया मुझे लगा ना हाईलाइटर थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने हाईलाइटर को दोबारा से लगाया है आई जस्ट होप कि आपको अच्छा लगा होगा मैं बहुत ज़्यादा फिल्ट मैं कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखाती हूँ आपको कि मेरी स्किन पहले कैसे लग रही थी एंड बाद में कैसी लग रही है आ, ये बस ऐसी ही है मेरी स्किन ऐसा ही है मेरा फेस जो कि रियल है मुझे कोई भी चीज़ नहीं मुझे इवन अच्छा लगता है मेरी स्किन में जो भी थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स हैं और जो भी निशान हैं मुझे हर एक निशान से प्यार है अपने स्किन में तो आप लोग भी प्यार करिए अपनी स्किन से हर एक इंसान की स्किन अपने आप में बहुत सुंदर होती है बस आप उसको थोड़ा सा अच्छे से सजा के रखो तो सब कुछ अच्छा लगता है एंड दैट्स इट आई जस्ट होप कि आपको ये लोग पसंद आया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट थैंक यू And i know